यहाँ पर लोगों ने अपना बिजली का बिल पकड़ा है, आपने बिजली का बिल क्यों पकड़ा है, आप लेकर क्यों घूम रहे हैं? हमारा बिल्कुल इफेक्ट किया हुआ है 3 महीने से, कभी 8,000 बिल, कभी 10,000 बिल, और कहते हमने नहीं उतारे, कहते मीटर उतार के चले जाएंगे, मजबूरन किसी कर्जा पकड़ना पड़ता है। अब लास्ट बिल है 14,927 रुपए का, तो फिर गया उनके पास, मैंने बोला भाई मीटर आपने बिल्कुल डिफेक्ट किया, 15,000 बिल क्यों भेजा है? कहते भी जब ठीक टाइम होगा अब ठीक करेंगे आगे, उससे पहले मेरे पास टाइम नहीं है, आप बिल उतारो नहीं उतारोगे तो मैं मीटर उतार के ले जाएंगे। तब्दीली सरकार से खुश है उनके 100 दिन से? नहीं, ये तब्दीली तो हो गई है, 3 महीने से मीटर बंद है और बिल आ रहे 15,000 रुपया, इससे जाके तब्दीली क्या आएगी वहाँ में? ये तब्दीली आपके लिए आई है, चले ये तब्दीली इनके लिए आई है जो कि अच्छी तब्दीली नहीं है, आगे देखते हैं लोगों के लिए जो तब्दीली आई है वो अच्छी है या नहीं। नाज़रीन कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं, यहाँ पर तजावजात का भी इशू है और वॉल सिटी को तब्दील करने के लिए भी बहुत ज्यादा बातें की गई, इन लोगों से हम बात करते हैं। तब्दीली सरकार के 100 रोज पूरे हो गए हैं, आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी, हम बहुत खुश हैं, मियां इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बिल ठीक आ रहा है आपका, ज्यादा आ रहा है कि कम? बिल थोड़ा सा तो ज्यादा आ रहा है, बिल तो उसमें भी खुश हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल ज्यादा आ रहा है। लाजी हमारा मुल्क कामयाब होना चाहिए, हम मुल्क को तरक्की की राह में देखना चाहते हैं, हम इमरान खान के साथ हैं। जज्बा ये जज्बा है कि बिल ज्यादा आ रहा है लेकिन हम इमरान खान साहब को कामयाब होते हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, उन्होंने मियां मोहम्मद इमरान साहब कह दी है, लेकिन उन्होंने कहा जी मियां मोहम्मद इमरान खान सब पे खुश है, इसका मतलब ये है कि ये खुश नहीं है, इन्होंने सियासी बयान दिया मुझे लगता है। हाँ जी, तो बहरहाल यहाँ पे सूरत हाल तो मदीहा, वैसे कल भी हम देख रहे थे तजावजात के खिलाफ डेली बेसिस पे जिला इंतजामिया भी डेली ऑपरेशन पे हमें वो बता रहे होते हैं कि जी आज यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे हुआ, लेकिन सूरत हाल यहाँ पे ये है कि हम एक मिनट के लिए खड़े होते हैं बात करने के लिए तो पीछे सारी ट्रैफिक जैम हो जाती है, उसकी वजह सारी ये है कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट बेतहाशा है और तजावजात का जो सदाबहार मसला है वो भी, जिसके लिए लाहौर हाई कोर्ट भी बीच में आ चुकी है। तब्दीली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, तब्दीली देख रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। 100 दिन में कितनी तब्दीली आई है, खुश हैं आप? नहीं। क्यों खुश नहीं? कोई तब्दीली नहीं आई है। मायूस हो गए? मायूस हो गए हैं। महंगाई हुई है जी बहुत ज्यादा। क्या क्या चीजें महंगी हो गई? हर चीज पे टैक्स लग गया है। अच्छा। जी तो अब क्या करेंगे? तब्दीली तो आनी थी जो आ गई है। अच्छा। जी चले यही तब्दीली थी, खुश नहीं है? नहीं खुश नहीं है ये, और इस तब्दीली से खुश नहीं है। आगे भी चलते हैं, हम और भी लोगों से बात करते हैं। हुकूमत के 100 रोज पूरे हो चुके, खवातीन सबसे ज्यादा नाराज हैं कि महंगाई हो गई, ग्रोसरी नहीं कर सकती, घर का सामान उस बजट में नहीं ले सकती। जी बिल्कुल, इसमें देखें हकीकत को हकीकत कहना बहादुरी है, मैं समझता हूँ कि मैं आजकल जो खवातीन आपको बता रही है उसमें काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बड़े दावे के साथ ये बड़ा कह सकता हूँ कि क्योंकि मुझे मेरे अपने लीडर के ऊपर इतना है कि वो जो कर रहा है वो बड़ा पाकिस्तान की बेहतरी कर रहा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अप्रैल और जून के अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर महंगाई के मुतालिक किस तरह का रिलीफ मिलेगा पाकिस्तानी आवाम को, और जो एक इस तरह का मैसेज क्लियर किया जाए 100 दिन में हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये आप सबके सामने इंशाल्लाह कल या परसों पूरा एजेंडा हमारा आ जाएगा। तब्दीली आ गई है जनाब, 100 दिन पूरे हो गए तब्दीली सरकार के, कितनी तब्दीली आई? जी माशाल्लाह तब्दीली आपके सामने ही है, इतना बड़ा क्रेडिट इमरान साहब ले गए हैं, ये इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने ये सोचा नहीं था कि सिख भाइयों के लिए ये काम किया जाए, लेकिन उन्होंने ये काम किया है, ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है, और अगर उनको टाइम दिया जाएगा तो इंशाल्लाह वो बेहतर करेंगे। आपके लिए तब्दीली आई? हाँ जी बिल्कुल आई है। कितनी तब्दीली आई? बस थोड़ी थोड़ी आई, थोड़ी थोड़ी। अच्छा अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 100 दिन पूरे हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, तब्दीली आई? अरे कुछ नहीं नजर पे आंदा, अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, खुश नहीं है? नहीं अभी कुछ नहीं है। चले जी खुश नहीं है अभी, तब्दीली आई आपके लिए? नहीं आई तब्दीली आई? बिल्कुल तब्दीली इंशाल्लाह आएगी, थोड़ा सा टाइम। 100 दिन में आई? इनको 100 दिन का वादा था ना। देखें 35 साल से ये दोनों पार्टीज काम कर रही है ना, इन्होंने लूट के सारा पैसा बाहर ले गई है दोनों पार्टीज, ठीक है थोड़ा सा टाइम तो दे ना इनको, तब्दीली इंशाल्लाह आएगी। जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं लोग बड़े पॉजिटिव वे में है आपके ऊपर, अभी भी भरोसा किए हुए, ये जो भरोसा है बार बार नहीं मिलना जी, इसमें हमें पूरा इस चीज का अंदाजा है। देखिए हमने कल भी लोगों के पास वोट मांगने जाना है, हमें इस चीज का भरपूर किस्म का अंदाजा है, इंशाल्लाह आपको विद इन कुछ महीने के अंदर ऐसी तब्दीली नजर आएगी कि बाकी आप कहेंगे पाकिस्तानी आवाम कहेगी कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की खुशहाली के लिए जो इमरान खान साहब ने इकदाम किया है वो शायद गुज़िश्ता गवर्नमेंट किसी ने नहीं किए, और इंशाल्लाह आगे की आपको हमारी स्ट्रेटजी का सारा अंदाजा हो जाएगा। मैंने इसके साथ साथ ना यहाँ पे बताना ये चाह रहा था कि जिस इलाके पे आप खड़े हैं जहाँ पे आप आज इंटरव्यू ले रही हैं, माजी तब्दीली आई है? हाँ जी आई। कितनी आ गई?
कर रहे हैं, बच्चा जिंदा रहे फिर भी कुछ नजर आ ही रहा है। अच्छा खुश हैं आप? हाँ। दवाएं देंगी? हाँ। और उम्मीद क्या रखेंगी? उम्मीद तो पता नहीं थी। आज आपके घर में जो बिजली का बिल आ रहा है ज्यादा आ रहा है या कम? बिजली का बिल तो बहुत ज्यादा आ रहा है। फिर भी उम्मीद रखेगी? हाँ। फिर भी दुआएं देंगी। आपके घर बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, तब्दीली सरकार के 100 रोज पूरे हो गए हैं, आप खुश हैं? गरीब हैं, बहुत तंग हैं, इमरान खान ने बहुत महंगाई की थी ये। अच्छा, अच्छा नहीं कीता? अच्छा नहीं किया? अच्छा नहीं किया, महंगाई की है इमरान खान साहब ने, अच्छा नहीं किया। देखिए अभी आप बात में फिर वही बात गई कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट जो 35 साल से इक़्तदार में थी, जो क्रोकोडाइल जिन्होंने हमारा मुल्क का पैसा लूट के बैठ भेज दिया, उनको कभी पुरानी बात थी। आंटी तब्दीली आई है? बहुत आई है। खुश हैं आप? हाँ खुश हैं। इतने खुश हैं आप, कैसी तब्दीली देख ली है जो आप खुश हैं? नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी है हमारे हालात हो रहे हैं। उम्मीदें कुछ हैं? कुछ क्यों नहीं है। क्या उम्मीदें हैं? अच्छा ही होगा, पाकिस्तान के लिए रहे हैं। अच्छा पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, कुछ खवातीन बहुत खुश हैं। अच्छा सिब्बत साहब, कुछ लोग खुश हैं और कह रहे हैं कि बिल जो है बिजली के वो तो ज्यादा हो गए, लेकिन फिर भी दे आर ऑप्टिमिस्टिक। बिजली के बिल तो आए रोज, हर दूसरे दिन उसकी खबरें आ रही हैं कि बिजली महंगी हो रही है। गैस जो है वो 140% महंगी हो चुकी है और उसमें फिक्स चार्जेस का 300% का इजाफा है, जैसा कि मैं पहले बता रहा था। तो लोग इसमें मतलब लोगों की खुशी फिर इसमें मतलब मेरे लिए तो कुछ समझ से बालातर है कि लोग किस किस्म की तब्दीली उन्होंने देखी है। मलिक साहब जो है वो रिपीटेडली एक ही बात कर रहे हैं कि देखें जी आइंदा होगा, हम दो चार दिन में खजाना खाली है, पहले लूट मार थी, करप्शन थी, बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सिर्फ इनसे ये कह रहा हूँ, ये तरीके इंसाफ के रहनुमा है, इन्होंने अपना तरीके इंसाफ से इलेक्शन लड़ा है, इनकी बड़ी ग्रिप है मामलात पे। लेकिन असल बात यह है कि अगर 100 दिन में मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान के मसाइल अगर इस कदर गंभीर हैं, अगर ये 100 दिन में हल नहीं हो सकते थे तो फिर ये 100 दिन की लॉलीपॉप। ये तो बात है कि अगर आपको मालूम था कि 100 दिन हमारे लिए नाकाफी होंगे तो 100 दिन का ये 100 दिन वाला बंदा कौन था, कौन था ये ब्रेन, कौन था इसके पीछे? देखिए मैं आपको फिर बात बता दूं, 100 दिन का जो हमारा प्लान था उसके लिए एक पूरा बनाया किसने था? देखिए इसमें एक हमारी पूरी ज्यूरी बैठी है, उस ज्यूरी में बैठ के जो भी फैसले हुए उसमें आप पूरी असल में डिटेल में नहीं जाना चाह रहे। आपको मालूम नहीं था ग्राउंड रियलिटीज, आपको मालूम नहीं था खजाना खाली, आपको मालूम नहीं था पीछे कितनी करप्शन हुई है, तो आप फिर भी 100 दिन क्यों दिए आप? मैं थोड़ा ऐड कर दूं मलिक साहब, अगर इसका मतलब तो ये है कि आपको वर्किंग ही नहीं थी इनकी, ठीक है ना, मसाइल का इनको अदराक ही नहीं था, इनको अंदाजा नहीं हुआ कि मसाइल इस कदर गंभीर है। एक बात मैं बिल्कुल इनकी अड़ गई, बाकी मसाइल का बड़ा अंबार था, इसमें कोई शक नहीं है, इतनी की लूट मार थी एक एक महकमे में। ये मालूम, ये तो हमने सुन लिया ना, इतनी करप्शन पहले मालूम नहीं था। देखें यह अब खुद हम ग्राउंड में आए हैं ना, आपको मैं कुछ इतना बड़ा दावा नहीं, ग्राउंड में आने से पहले आपने रिसर्च नहीं की थी कि पिच कैसी है, गीली है, सूखी है, घास कैसी है उसके ऊपर? पिच धोखा भी दे देती होती है, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, करंट सूरत हाल यही है कि इंशाल्लाह आपको हम कुछ इम्प्रूव करके दिखाएंगे, आपको इंशाल्लाह रात को या कल तक हमारी जो थी कैबिना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आपको काफी डिटेल से पूरा प्रेस रिलीज में दिया जाएगा कि हमने क्या क्या इकदाम किए हैं, हमने किस किस तरीके से आगे चलना है और हमारा मेन प्लान क्या है। मैं इसी बात में फिर भाई की बात मेरी बात कहेगा कि हिस्टोरिकल प्लेस को ले आते हैं या कोई ऐसी वैसी चीजें ले आते हैं, असल में हमने जनरेट करनी है अपनी आमदनी के जराए, हमने यहाँ पे खजाने को खाली नहीं करना, हमने जो ये छोड़ के गए इनको और बेड़ा गर्क नहीं करना, हमने यहाँ पे पाकिस्तान के लिए एक ऐसा काम करके जाना कि कल को आने वाली नस्ल हमको अच्छे नाम से याद रख सके, कल को हमने भी लोगों के पास वोट मांगने जाना है, वो वोट मांगते हुए ये हो सके बिल्कुल। ये ब्रेड एंड बटर का मसला है, आवाम का आटे दाल का मसला है, उनको मैं अगेन वही बात है कि उनको आर्ट कल्चर से काफ़ी जब उनका पेट भरा। क्योंकि मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिए, मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन अभी गुजरा है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपनी बहुत सारी मुतादित सीट्स इसी वजह से खो दी हैं, क्योंकि 100 दिन का प्लान और एजेंडा वो जिन्होंने दिया था, अवाम उससे मायूस होकर कन्वर्ट हो गए और किसी और पार्टी को वोट दे गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सीटें जो हैं ज़िमनी इलेक्शन की खो बैठी। अब 100 दिन में ताजिर बरादरी क्या देखती है, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है और जो इंडस्ट्रियल आइकन है वो किस तरह से इन 100 दिनों को देखते हैं? आम आवाम से तो हमने बात कर ली, आइए उनसे बात करते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।